sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better. Hey everyone, welcome back to the another video. Hope you all are fine. तो आज मैं तैयार हुई हूँ, तो मतलब मैं जा रही हूँ कहीं. तो मैं जा रही हूँ अभी मार्केट अपनी मासी के साथ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था. और दो तीन दिन से चैलेंज वीडियोज़ ही आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज कोई ब्लॉग शूट कर लेती हूँ. तो राखी भी आ रही है, सबसे बड़ी बात. तो वैसे तो हमने करनी नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े नानू जी की डेथ हुई है, तो इस बार हमने राखी नहीं करनी है. तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब राखी तो बांधनी है, तो सिंपल सी कोई राखियाँ खरीद लेंगे. और बाज़ार में इतनी जो रौनक होगी, राखियाँ वगैरह सब लगा होगा, तो वो भी आप सबको दिखा देती हूँ कि मार्केट में कैसा है माहौल. तो अभी चलते हैं, और मैं रेडी हो गई हूँ, मेरी मासी रेडी नहीं हुए हैं, तो अभी चलते हैं पहले उनके पास, और फिर देखते हैं वो रेडी हुए हैं या नहीं, तो उसके बाद चलते हैं मार्केट. तो मासी चले गया नीचे और मेरा वेट कर रहे हैं. तो मेरे को हेलमेट नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं पीछे रह गई. तो अभी चलते हैं. वैसे लेट भी उन्हीं की वजह से हुए हैं, क्योंकि मैं तो बहुत जल्दी तैयार हो गई थी, और मैंने तो रील्स भी बना ली थी तैयार होके, पर वो रेडी नहीं थे. यहाँ पे थोड़ा स्लिप भी लगता है इस गली में, तो आराम से ही चलना पड़ेगा. तो अभी चलते हैं. अदो किसने लेट किया ज़्यादा? इन्होंने इतना टाइम लगाया ना. मैं कब से तैयार हो, 1 बजे मैं तैयार हो गई थी, 1:30 बजे, और अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी शायद 3:30 होने वाले हैं, है ना. लाइट बंद थी. हाँ, मैं बैठ गई हूँ, और मतलब स्कूटी पे बैठ गई हूँ. तो अभी चलते हैं, फिर वहाँ जाकर दिखाती हूँ आपको मार्केट में. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up with. Market to hum aage, par ATM jana tha, paise nikalne the. ATM mere haath mein hi reh gaya. To abhi pehle hum ATM dhoondenge, uske baad hum market jayenge. Matlab market to aa gaye hain, par yahi pe kahin ATM dhoondenge, to uske baad dekhte hain. हमने शॉपिंग कर ली, जो भी करनी थी, मतलब थोड़ा बहुत सामान लेना था वो तो ले लिया है. यहाँ पे थोड़ा शोर है, क्योंकि आज रश भी ज़्यादा है. तो बाकी अब भूख भी लग रही थी, तो सोचा कुछ खा लेते हैं. तो वही अपनी फेवरेट जगह पे आ गए हम, कैसीनो में कुछ खाने. तो अभी खाते हैं. थोड़ा बहुत सामान और भी रह गया लेने वाला वैसे तो, पर अब गर्मी देखो, मुझे अंदर बैठ के भी गर्मी लग रही है. तो अभी देखते हैं क्या खाते हैं, फिर ऑर्डर करके आपको बताते हैं. खाना है आज, मेरा मन कुछ नहीं है खाने को. देखते हैं जो आप खिलाओगे. आपने बोला आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खा लेते हैं. ठीक है. आज रश भी कितना है? रश भी हो रहा है. आपके पीछे एक छोटा सा बेबी बैठा है, उसका सिर्फ सर दिख रहा है, क्यूट सा लग रहा है. तो अभी करते हैं ऑर्डर आइसक्रीम, और फिर देखते हैं. देखो हमारी आइसक्रीम तो आ गई है, पर इन्होंने हमें स्पून नहीं दिए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आज हम हाथ से खाएंगे. आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर? तो अभी आ गया हमारे स्पून, तो अभी हम खाएंगे आइसक्रीम. कैसी है? नहीं नहीं आप खाओ. कैसी है? उन्होंने एक ऐसी बात बोली है कि मुझे मजबूरन अपना कैमरा ऑन करना पड़ा. क्या कहा आपने? इनका कहने का ये मतलब है कि आइसक्रीम इतनी ठंडी नहीं होती है. तो गाइस इनको कोई बताओ, आइसक्रीम ही ठंडी होती है, बड़ी ज्यादा ठंडी है. मेरी मासी ने एक सवाल पूछा है, जिसका आंसर उनको मैं देना नहीं चाहती हूँ. तो मैं इनको चाहती हूँ कि वो आप लोगों से ही पूछें ये सवाल, कि ये मतलब ये ही पूछेंगे आप. हाँ आप बताओ, क्या क्वेश्चन था आपका? ये लड़कियाँ की पत्नी में पत्नी क्यों नहीं होती? जोर से बोलो ना, क्या क्वेश्चन पूछा आपने? मैंने कहा लड़कियाँ इतनी पतली हैं, पतली क्यों नहीं होती? तो गाइस इनको आंसर, इनको आंसर दो, ये पतले क्यों नहीं होते? वो इस बात की मुझे बड़ी बड़ी टेंशन होती है कि मैं पतली क्यों नहीं होती, काश मैं पतली हो जाऊँ. तो आपने जो मेरी चैलेंजेस वीडियोस देखी होगी, हर वीडियो में ये जीतते हैं. और ये देखो, और इनका क्वेश्चन है कि ये पतले क्यों नहीं होते. और पता नहीं क्या हो गया,
आज मुझे आइसक्रीम इतनी ठंडी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो गई आइसक्रीम। ध्यान मत दो इनकी बात पे, अभी लगता है ठंडा इनके थोड़ा सिर पे चढ़ गया थोड़ा ठंडा, तो ठीक हो जाएंगे टाइम के साथ, कोई बात होता रहता है। इन्होंने अपनी खा के मेरी भी ले ली है और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं पतली क्यों नहीं होती। ये अभी आप कुछ बोल रहे थे ना इन लच्छों के लिए, मैं कहा लच्छों में ना थोड़ी सॉस डाल लेती हूं, लोग सोचेंगे मैं चाउमीन आइसक्रीम खा रही हूं, चाउमीन खा रही हूं। तो देख रहे हो आप कह रहे हैं कि मैं ये सॉस डाल लेती हूं ताकि लोगों को लगे पहले मैं लच्छे खा रही हूं अब मैं नूडल्स खा रही हूं। मैं डालूं राखियां तो बहुत सुंदर सुंदर आ गई है मार्केट में, लेकिन हमने करनी नहीं है तो इसीलिए हम लेंगे नहीं, पर ऐसे तो मतलब हमने सिंपल धागे ले लिए छोटे छोटे, तो आप देख लो। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind, my friends keep me out. तो राखियां भी हमने खरीद ली हैं और अभी देख रही हूँ, सोच रही हूँ यहाँ से कुछ ले लूँ, देखती हूँ। तो ये शॉप है जहाँ से हमने लिया है महाजन ड्राई फ्रूट्स, तो ये अंकल जी की शॉप है। तो अभी आ गई थी मैं घर और काफ़ी सारा सामान लिया, काफ़ी सामान लेने वाला था, तो एक कुर्ता लिया, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, देखते ही पसंद आ गया था, तो मैंने सोचा ठीक है राखी भी आ रही है तो वही डाल लूँगी। तो वो भी मैं दिखाऊँगी नहीं, वो मैं राखी वाले दिन ही दिखाऊँगी कि मैंने कौन सा लिया है, क्या कलर लिया है, तो वो आपको पता चल ही जाएगा उस दिन। तो बाकी भी थोड़ा बहुत सामान लिया जो लेना था, राखियाँ भी मैंने आपको दिखाई और बताया भी कि हमने करनी ही नहीं है तो हमें मतलब कुछ ज़्यादा लेनी नहीं थी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ पसंद भी नहीं करनी पड़ी, नॉर्मल से सिंपल से हमने ले ली सिर्फ बांधने के लिए। तो होप कि नेक्स्ट ईयर हमारे लिए मतलब अच्छा आएगा। इस बार तो हमारे नानू जी की डेथ हो गई थी जैसा कि मैंने बताया, तो खुद भी दिल ही नहीं मानता है कुछ भी करने का, क्योंकि इतने क्लोज थे वो हमारे, मतलब काफ़ी उनका आना जाना था हमारे घर में, तो ऐसे फील होता है मतलब खुद ही मन नहीं करता सेलिब्रेट करने का कुछ भी। तो ठीक है एक फेस्टिवल होता है तो करना ज़रूरी होता है, राखी बांधना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमने सिंपल सिंपल सी राखी ले ली मैंने। तो ठीक है करते हैं इसी के साथ आज का व्लॉग एंड। और हाँ कल एक चैलेंज वीडियो आने वाली है तो ज़रूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंज होने वाला है वो। तो करते हैं इसी के साथ आज का व्लॉग एंड, होप यू गाइज लाइक द वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।